ब्रिटेन में 1760 और 1840 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया। पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय इतिहासकार जैसे फ्रांस के जूल्स मर्शलेट और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा प्रयोग किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग पहली बार फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट आर्नल्ड टॉइनबी ने किया उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1840 के दशक के बीच हुए थे। औद्योगिक क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी परिणाम हुए, बाद में यूरोप के देशों और अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अठारहवीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के शहरों में बड़े परिवर्तन हो रहे थे, परंतु गांव में रहने वाले लोगों के जीवन का प्राथमिक सोर्स अभी भी एग्रीकल्चर था। लगभग 75% लोग अनाज उगाकर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन सर्दियों के दिनों में अधिकांश अंग्रेजी परिवार के पास कोई काम नहीं होता था क्योंकि सारी जमीन बर्फ से ढकी होती थी और किसी वर्ष यदि फसल अनुमान से कम हुआ या कोई अन्य अनावश्यक खर्च सामने आ गया तो सर्दियाँ और लंबी, ठंडी और भूख से बेहाल बन जाती थी। समाज के इस कठिनाई में शहरी व्यापारियों को अपना मुनाफा दिखा और उन्होंने गांव में कुटीर उद्योग की शुरुआत की। कुटीर उद्योग किसानों के खाली समय का उपयोग करने और कम कीमत में अच्छे कपड़े बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दरअसल होता यह था कि शहरी व्यापारी गांव में घूम घूम कर पहले ऊन इकट्ठे करता और उस ऊन को किसान के परिवारों में बांट देता। इन परिवारों का काम होता था ऊन को धोना, सुखाना, ऊन को रंगना, सुलझाना और उसे धागों में पिरो के इससे गर्म कपड़े बनाना। कपड़े बनाने का पूरा प्रक्रिया एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता था। व्यापारी नियमित अंतराल में इन परिवारों से कपड़े इकट्ठा करके इन्हें शहरों में बेचता या विदेशों में ऊंचे दाम पर निर्यात कर देता और इससे अच्छा मुनाफा कमाता। इस नई कॉटेज इंडस्ट्री ने व्यापार को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया और औद्योगिक क्रांति लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। ये हाल था उस वक्त के अंग्रेजी ग्रामीण जीवन का। इधर अब शहरी व्यापारी बड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना था। पहले व्यापारी सारे माल का निर्माण खुद करवाता था, अतः इस कार्य को बड़े स्तर पर अलग अलग लोगों से करवाना नया और आकर्षक विचार था। लेकिन कपड़ा उद्योग गांव के लोगों या किसानों के लिए अतिरिक्त धन कमाने का वैकल्पिक साधन था और धीरे धीरे कई परिवार इस पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। इसीलिए जब कृषि क्रांति से खेतों में मजदूरों की मांग कम होने लगी तो लोगों को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। गांव से शहरों की तरफ गमन करने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में 1750 तक पूरे जनसंख्या का सिर्फ 15% लोग शहरों में रहते थे। 1850 तक शहरों की जनसंख्या नाटकीय ढंग से बदला और ये ब्रिटेन के कुल जनसंख्या का 50% और 19वीं शताब्दी के अंत तक ये 85% तक चला गया। इससे पता चलता है कि गांव से शहरों की तरफ कितनी बड़ी संख्या में लोग आए क्योंकि उन्हें गांव में काम नहीं मिल रहा था। गांव से जिन शहरों की तरफ लोग आए कुछ मुख्य शहर इस तरह थे: लंदन, ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर और बर्मिंगहम। यह वक्त आधुनिक विश्व इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ माना जाता है। प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 के बीच हुआ, लेकिन ये सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं था बल्कि ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज सबसे जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। अधिकतर तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ब्रिटिश था। नई विनिर्माण और तकनीकों की ओर बृहद स्तरीय संक्रमण हुआ जिसने बड़े स्तर पर चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया, जैसे कि मानवीय हाथों के बजाय मशीनों का प्रयोग होने लगा, लौह उत्पाद और रसायन विनिर्माण होने लगे, जल शक्ति का बेहतर प्रयोग होने लगा, भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा, शक्ति चालक औजारों का विकास हुआ और इसका इस्तेमाल बृहद स्तर पर होने लगा।